आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। आज वाला चैप्टर कंप्लीट वाला चैप्टर कंप्लीट फिफ्थ वाला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर। ओके, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है स्टेट के बारे में, हमने पहले चैप्टर में स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ था। जो पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था ना, कितने प्रकार टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद भी हमारे पास दो थे, ओके, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बोल आइंस्टाइन। लेकिन हमें इसमें लास्ट वाले दो की कुछ ज़रूरत है नहीं, पहले वाले से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस उसके बारे में डिस्कस करनी है। उसमें भी हमें यहाँ पे गैस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करनी है। गैस के लो है ये, जैसे का लो, बोल का लो, मोंट ऑफ लो, डाल्टन का लो, डाल्टन की थियर। इसमें क्या है, प्रेशर टेम्परेचर के बीच का जो लो है उसमें क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर में क्या डिफरेंट होता है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो क्यों चेंज होता है, प्रेशर पे कौन पे किस पे डिपेंड है, ओके, ये सब पढ़ना है। ओके, तो पहले हमारे पास हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नियर में होते हैं, क्लोज होते हैं, उस वजह से वो इसका अट्रैक्शन भी बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, स्ट्रांग होता है। ओके, वो किस में आते हैं, सॉलिड, उस वजह से वन मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकते हैं, नहीं जा नहीं सकते ऐसा ही बोल सकते हैं। ओके, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा होता है इसके कंपेयर में हमारे सॉलिड के कंपेयर में, उस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स वन जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ओके, उस वजह से उसका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, थर्ड वाला था हमारा गैस। गैस का जो हमारा टेम्परेचर की बात करें या भी कुछ भी, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, उसको जिस भी हमें बोतल में या जिस भी तो पात्र होते हैं उसमें भर देते हैं, बीकर में कि कुछ भी रूम में कहीं पे भी, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, वो पूरी जगह ही रोक लेता है। ओके, इसका मतलब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ये सब हमने डिस्कस किया था। ये है हमारे मैटर्स। ओके, उसमें जब मॉलिक्यूल्स के बीच को, यानी कि मॉलिक्यूल को जब एक दूसरे के साथ में नियर में होते हैं तब उन बीच में, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है या अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये अट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो अट्रैक्शन किस वजह से बनता है, अट्रैक्शन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो वो डिस्कस करने के लिए हमारे पास वैन डेर वाल्स इक्वेशन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर वैन डेर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं, फर्स्ट वाला फोर्स। उसके बाद दूसरे फोर्स की बात करें तो हमें डाइपोल, डाइपोल के बीच में जो लगता हुआ फोर्स है वो फोर्स लंदन फोर्स। फिर आगे बढ़ते हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्स, फिर डिस्पर्सन फोर्स या फिर डाइपोल, डाइपोल फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ओके, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में ये सब दिया हुआ, देखो हमारे टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो आप कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो पहले स्टार्टिंग वाला हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फोर्स कितने अवेलेबल है। ओके, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, उसे दूसरी टाइप के अगर बोले जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को वैन डेर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं। ओके, ये फर्स्ट वाला, ये वैन डेर वाल्स फोर्स क्यों से बोला जाता है, क्योंकि वैन डेर वाल्स का जो साइंटिस्ट था उन्होंने दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम के बीच लगता हुआ फोर्स, उसने बताया था कि इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में या फिर पानी H2O के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस हिसाब से ऐसे उसने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ था, उस वजह से उसे वैन डेर वाल्स फोर्स भी बोला जाता है। उसके बाद सेकंड वाला है हमारा डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स। कौन सा, डिस्पर्सन फोर्स या फिर उसे हम बोलते हैं हमारे पास डिस्पर्सन फोर्स या फिर दूसरे लैंग्वेज में दूसरा भी है हम उसे बोलते हैं लंदन फोर्स। ओके, सेकंड वाला, थर्ड वाला हमारा है डाइपोल, डाइपोल फोर्स। उसके बाद
कोर्ट वाला हमारे पास अवेलेबल है। डिस्पर्शन फोर्स के बाद हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाला फोर्स भी है। देखो हमारे टेक्सटबुक में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ओके, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बारे में डिस्कस करनी है, ओके। फिर आएगा थर्मल एनर्जी, ओके। ये पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करनी है, ये सब पॉइंट हमारी थियरी है, ओके। तो इसमें डिस्कस करनी है हमारे पास ये फोर्स कौन सा है। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स एटम्स हो जाए नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये जैसे के बाद जैसे फर्स्ट वाला है वो क्या पता है हमारे पास उनका जो साइंटिस्ट था उन्होंने मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको उसने एक्सप्रेस किया हुआ था, यानी कि वो हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच हो सकता है, पानी के बीच हो सकता है, उस वजह से उसे वैन डेर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं, ओके। इसके बारे में हमें थियरी है हमारे टॉपिक में वो पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्पर्शन फोर्स में क्या आएगा, डिस्पर्शन फोर्स यानी कि हमारे पास वैन डेर फोर्स भी बोला जाता है, यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स एटम्स है एटम या फिर एटम एटम्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर और नॉन पोलर भी आपको पता है ना, पोलर नॉन पोलर, ओके। फिर एटम्स, ओके, ये दोनों के बीच में ये दोनों एटम्स होते हैं लेकिन बीच में कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, उस वजह से उसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है क्योंकि चार्ज उसमें सब में एक जैसे बटा हुआ होता है, ओके। यानी कि रूम टेम्परेचर पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूँ उसमें तो उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, लेकिन ये जीरो होती है क्यों, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ होंगे। चलो मैं बात करता हूँ ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बारे में, ए फर्स्ट वाला एटम ए एटम्स एंड बी एटम्स, इसमें चार्ज अभी फिक्स है, जितना पॉजिटिव नेगेटिव स्थिर है जैसे, ओके, स्टेबल है। ये चार्ज हमारे पास देखने जाए तो ये ऐसे फिक्स है, ओके। अब देखो इसमें अभी अभी हमारे पास डाइपोल मोमेंट जीरो होगी क्योंकि ये हमारे पास चार्ज अभी भी कितना है, हमारे पास स्टेबल है। स्टेबल चार्ज की वजह से उसमें हमारे पास जो फोर्स लगता हुआ है वो फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, ओके। डियर स्टूडेंट उस वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, लेकिन हमारे पास ये थोड़ी देर के लिए ये चार्ज होता है ना, वो चार्ज इन दोनों के पास प्लस प्लस चार्ज होने की वजह से ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन से उल्टा होता है, ये दोनों अलग अलग चले जाएंगे, ओके। यानी कि अपाकर्षण होगा, इससे आकर्षण नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे ये सब फोर्स प्लस प्लस इस तरफ चले जाएंगे, ये सब इस तरफ चले जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए इन दोनों के बीच डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगी, जीरो से डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगी तो इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा था वो अट्रैक्शन हो सकता है। तो उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट क्या आएगा, ये चार्ज वाला है ना वो चार्ज वाला मॉलिक्यूल इस तरफ हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा और प्लस वाला इस तरफ आ जाएगा, ओके, और ये इस तरफ आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ऐसे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होती है तो वैसे हम बता सकते हैं बहुत बार भी ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमारे पास अवेलेबल पॉइंट कौन सा है, तो इसको हम लंदन फोर्स बोलते हैं। इसके लिए थोड़े देर के लिए टेम्पररी होता है, ओके। ये डाइपोल वाला फोर्स है वो टेम्पररी होता है, क्यों होता है कि एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल एंड जो डाइपोल मोमेंट ये सब क्यों होता है,
ये चार्ज पे अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ओके सिमेट्रिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो सब में एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो चार्ज एक वन साइड चला जाता है। ओके उस वजह से ये वन साइड चला गया ये चार्ज। सेकंड वाला पॉइंट है, तो सेकंड वाले पॉइंट में हमें हमारे पास फिगर भी दी हुई है, उस फिगर में क्या बताया गया वो देखो। जो एटम्स ए है उसमें इंटेंशनल है हमारे पास डाइपोल मोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि जो है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, डेंसिटी भी किस तरफ जाएगी, ये इस तरफ चला गया तो उसकी डेंसिटी उस तरफ जाएगी, किस तरफ लेफ्ट से राइट की ओर। ओके फिर यहाँ पे लेफ्ट से राइट तरफ की ओर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके इसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद हमारा थर्ड वाला पॉइंट है डाइपोल डाइपोल फोर्स वाला। ओके तो डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या आता है, तो उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स में दो मॉलिक्यूल के बीच में प्रोसेस होता है परमानेंट, परमानेंट जिसकी डाइपोल मोमेंट होगी उन दोनों के बीच में ये फोर्स लगेगा। डाइपोल डाइपोल फोर्स यानी कि जो मॉलिक्यूल के बीच में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी ना उन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन होगा। ओके तो इस अट्रैक्शन में क्या आएगा, इस अट्रैक्शन में हमारे पास एग्जांपल बहुत ही अच्छा है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमें एग्जांपल से समझाया है इसमें कैसे क्यों होता है। ओके तो देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एटम्स है मॉलिक्यूल से, तो एक तरफ प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसमें प्लस चार्ज इसमें नेगेटिव, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओके हम देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी हमें बताया गया है, टेक्स्ट बुक में देखो टेक्स्ट बुक में क्या बताया गया है, देखो कि हमारे पास जो हमारे पास चार्ज वाला है यानी कि हमारे पास जो चार्ज उसे हम कैसे सिंबल से डिफाइन करेंगे, डेल्टा सिंबल से, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा ये माइनस डेल्टा, एक ग्रीक लैंग्वेज का ये सिंबल है उसे हम डेल्टा बोलते हैं और इसका सिंबल ऐसा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे हम उसे फाइंड करना है, तो इसके बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम पीडीएफ से आपको एक्सप्लेन करते हैं, पीडीएफ क्योंकि ये थियरी है, थियरी को ऐसे हम बोर्ड वर्क में मैं लिखूंगा आप समझ नहीं पाओगे, इस वजह से मैं आपको वो अपने पीडीएफ से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, पहले आप अपनी तरफ से रेडी रहिए कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, लैंडर फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा हुआ, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद थर्मल एनर्जी। ओके उसके बाद हमें लो पढ़ने हैं, बॉयल का लो, गेरुसेक का लो वन, उसके बाद डाल्टन की थियरी। ओके ये सब थियरी के हमें थियरी पढ़नी है, लेकिन उसमें से हमें एग्जाम में एग्जाम्पल या नहीं दी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये पढ़ना है, फिर उसके बाद वन लो आएगा फिर से एग्जाम्पल है इसके, एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल है हमारे इस चैप्टर में एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये याद रखें, अब मैं आपको पीडीएफ से अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे समझ में आता है। ओके देखिए आज हम लोग 11th में केमिस्ट्री में 5th वाला चैप्टर यानी कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो हमने पहले वाले चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर के बारे में डिस्कस किया था, हम लोगों को पता है मैटर की जो टाइप थी, कितनी टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ओरिजिनली 3 टाइप, लेकिन देखते जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बोज आइंस्टाइन वाला भी है, लेकिन हमें डिस्कस करना है इन तीनों के बारे में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में, जिससे फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि उसके मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नियर में होते हैं, उस वजह से वो स्ट्रांग होता है, उसका शेप फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही नियर में भी नहीं होते कि बहुत ही डिस्टेंस में भी नहीं होते, उस वजह से उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत ही कम भी नहीं होता। ओके और वो दो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उस वजह से वो वन पार्टिकल्स या वन एटम वो अपनी अपनी जगह से दूसरी जगह पे
नियर में, अपने नियर में इधर उधर घूम सकता है, ओके। उस वजह से उसका सेप फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। उसके बाद गैस की बात की थी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, उस वजह से वो यानी गैस के मॉलिक्यूल से वन जगह से अपने आसपास जिस भी हम पात्र में उसे डालते हैं उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह भी कहीं पे भी जा सकता है। अगर रूम में हमने गैस को ऐसे मेजर कर दिया, डाल दिया, तो वो पूरे रूम में फैल सकते हैं। उस वजह से उसका शेप भी फिक्स नहीं होता और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, ओके। इसके बारे में डिस्कस की थी। अब हमें ये फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उसमें फर्स्ट हम देखेंगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल्स, उन दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, ओके। तो वो फोर्स कौन सा फोर्स है, तो वो बहुत सारे फोर्स है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी उसे वांडर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं। फिर उसमें कौन सी टाइप आती है, तो डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल के बीच वाला फोर्स, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्मल एनर्जी वाला, ये सब के बारे में हमें डिस्कस करना है, ओके डियर स्टूडेंट। तो पहले वाला पॉइंट हमारा है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एंड वांडर वाल्स फोर्स के बारे में डिस्कस करना है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं और क्यों, उसमें क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है, तो कि जो एटम्स या फिर आयन्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो चार्ज होता है वो चार्ज डिफरेंट होगा, यानी कि कोई एक का चार्ज प्लस होगा, कोई एक का चार्ज प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा, यानी कि ये दोनों अलग होंगे चार्ज, यानी कि ये दोनों चार्ज अलग होंगे, चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस भी हो सकता है, ओके। इंटरमोलिकुलर फोर्स में ये दोनों का अट्रैक्शन होता है, फिर जो फोर्स लगता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है, फिर वो कोई भी हो सकता है, ओके, आयन हो या फिर एटम हो या फिर मोलिक्यूल्स हो, ओके। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपुलेशन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि ये दोनों जो हमारे पास एटम मॉलिक्यूल्स थे उन दोनों के बीच में जो चार्ज थे उसके बाद वो दोनों नियर में आते हैं, जो फोर्स लगता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब देखो जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि दो पार्टिकल से वो अपोजिट साइड में होंगे, अपोजिट चार्ज वाली साइड में होंगे, यानी कि कोई एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, ये वो आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है, ओके। इसके लिए एग्जांपल की बात करें कि ऐसा एग्जांपल कौन सा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इसका एग्जांपल है, ओके। वांडर वाल्स बल यानी कि वांडर वाल्स फोर्स क्या है, वो वांडर वाल्स जो हमारे पास फोर्स है वो वांडर वाल्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसके मान के लिए उसे वांडर वाल्स फोर्स रखा गया है। उन्होंने वो साइंटिस्ट डच का था, उन्होंने 1837 से 1923 का वो टाइम पीरियड था उसमें एक्सपेरिमेंट करके उसने ये फोर्स के बारे में बताया था, उस वजह से उसे क्या इस फोर्स को वांडर वाल्स फोर्स भी बोला जाता है। कुछ ज़्यादा नहीं है, हमारे पास ये आइडियल गैस वाला सॉल्यूशन का रिएक्शन आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा ये फोर्स में कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कस करने हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस फोर्स है हमारा इसमें क्या क्या आता है, तो इस फोर्स में इंक्लूड कौन से फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एंड आयन एंड डाइपोल के बीच में जो आता है, आयन और डाइपोल वाला बीच में जो फोर्स लगता है ये इस तरफ का फोर्स है। फिर फोर्स है वो प्रेजेंट बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड का बोला था ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड किस में एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ये आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है, ओके याद रखने का। फिर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन आयन एंड डाइपोल मोमेंट वाला है ना, डाइपोल ईयर नो एज आयन डाइपोल फोर्स, यानी कि आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है ये भी किस में वांडर वाल्स फोर्स में इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट वाला आयन एंड डाइपोल,
एटम एंड मोलिक्यूल्स, फिर ये आयन डाइपोल के बीच में जो लगता है वो फोर्स। ओके, ये फोर्स का टाइप कितनी है, अलग अलग टाइप के है ना, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप के आते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास है डिस्पर्सन फोर्स ऑफ लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स भी बोला जाता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ओके, इन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे फर्स्ट वाला है डिस्पर्सन फोर्स एफ ऑफ लंदन फोर्स, यानी कि डिस्पर्सन फोर्स भी बोला जाता है और लंदन फोर्स भी बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो पहले वाला हमारा है टेक्स्ट बुक में डिस्पर्सन फोर्स एंड लंदन फोर्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ लंदन फोर्स या फिर एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्सन फोर्स, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, तो कोई एटम्स होता है या फिर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, जब हमारे पास कोई एटम होगा या फिर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, अगर ये दोनों होते हैं तो तब इन दोनों के बीच में जो चार्ज होता है ना वो सिमेट्रिकली होता है, यानी कि उसमें डिस्ट्रीब्यूट वो चार्ज होगा। यानी कि कोई एटम की बात करूँ, ये एटम है, इसमें सिमेट्रिकली चार्ज यानी कि एक जैसा ही होगा दोनों में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया होगा, एक जैसा ही, कोई इधर उधर नहीं कि लेफ्ट साइड ज़्यादा और राइट साइड कम, इसमें लेफ्ट साइड दो है तो इसमें भी लेफ्ट साइड दो, इसमें लेफ्ट साइड दो तीन है तो इसमें भी लेफ्ट साइड तीन, ऐसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। ओके, तब इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकली होगा, तब इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज़ीरो, कुछ होती नहीं। ओके, डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, यानी कि ज़ीरो, इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों साइड सेम होता है, इस तरफ भी एक जैसा ही होता है, इस तरफ भी एक जैसा ही होता है, तो इनमें तो तीन इधर है, यानी कि फोर्स एक जैसा ही होगा, तो यानी कि प्लस और माइनस दोनों एक जैसा ही, किसी एक तरफ मोलिक्यूल्स जा नहीं सकता। ओके, दोनों तरफ वो बैलेंस में रहता है, उस वजह से उसकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। लेकिन कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हमारे पास कोई एटम में अगर थोड़ी सी खलबली मच जाती है तो क्या होता है, वो प्लस चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट एक जैसे था वो उसमें से थोड़ा सा लेफ्ट साइड चला जाएगा या थोड़ा सा राइट साइड चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसकी डाइपोल मोमेंट थोड़े से टाइम के लिए ज़ीरो से थोड़ी आगे बढ़ जाती है, ज़ीरो रहती नहीं है। तब हमें पता करना है कि तब जो फोर्स लगता है ना उसे लंदन फोर्स बोलते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो वो टेक्स्ट बुक वाला एग्जांपल की बात करते हैं। मैं क्या दिया हुआ है, दो एटम्स दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट वाला एटम और सेकंड वाला एटम, इन दोनों एटम के बीच हमारा जो चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, यानी एक जैसा ही है, प्लस प्लस दोनों में एक जैसा ही, बीच में ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है दो एटम में। ओके, अब तब हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, ज़ीरो होती है, तो तब हमें कुछ फोर्स लगता नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास ये चार्ज था ना वो लेफ्ट साइड या राइट साइड चला जाता है। ओके, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में ये चार्ज चला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उस वजह से थोड़ी देर के लिए वो लेफ्ट साइड या राइट साइड चला गया, तो इस तरफ आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यानी कि इस तरफ जो लेफ्ट साइड चार्ज चला गया तो राइट साइड इसकी डेंसिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, मोर इलेक्ट्रॉन मोर देन डेंसिटी ऑन राइट साइड। ओके, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन राइट हैंड साइड। ओके, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, एटम बी इंड्यूस डाइपोल में भी, उसमें भी एक साइड प्लस प्लस हो गया, इस तरफ डेंसिटी बढ़ गई। ओके, फिर क्या होता है पता है, फिर देखो हमारे पास जो ये लेफ्ट साइड थी ना, देखो ये सब प्लस चार्ज लेफ्ट साइड चले गए, ये भी। ओके, फिर क्या होता है पता है, ये दोनों है ना, इसमें देख सकते हो, इसमें यहाँ पे प्लस चार्ज, इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज, इसमें प्लस, यहाँ पे माइनस चार्ज, तब ये माइनस और प्लस चार्ज की वजह से
ये दोनों अट्रैक्शन में आएंगे, वो तो आएंगे ही ना। यहाँ पे उससे उल्टा कर दिया जाए, इसको इधर हो इसको उधर, तो भी होगा ना ये प्लस और ये माइनस वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस प्लस होगा तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन माइनस माइनस होगा तो वो अट्रैक्शन होगा ना। ओके, क्योंकि ये अपोजिट साइड वाले चार्ज होंगे, ये माइनस माइनस वाला नहीं, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। प्लस प्लस में अट्रैक्शन नहीं, माइनस माइनस में भी नहीं होता, लेकिन प्लस माइनस और माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है। उस वजह से ये इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हमारा लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ये थियरी भी इसमें ऐसे ही लगी, लेकिन ये जो हमारे पास फोर्स होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। जब तक ये चार्ज सिमिलरली फिर से नहीं होता, तब तक ये फोर्स इन दोनों के एटम्स के बीच में अवेलेबल होता है। जैसे जैसे ही चार्ज यहाँ पे सिमिलरली हो जाएगा, वैसे ही वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? उसके बाद हमें समझना है हमारे पास है डाइपोल डाइपोल फोर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास ए और बी जो एटम्स थे, उन दोनों के बीच में हमें क्या मिला, फोर्स। उसे हम क्या बोले, डिस्पर्सन या फिर लंदन फोर्स बोलते हैं। उन दोनों के बीच ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। ओके, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी, ये दोनों एटम्स से जो इन दोनों के बीच में जो ये रिएक्शन करते हैं, अट्रैक्शन होंगे, तो वो जो रिएक्शन करते हैं, जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कितनी होगी, 1/r^6 पावर, कितनी, 1/r^6 पावर जितनी एनर्जी होगी। लेकिन ये आर क्या है, ये इन दोनों के सेंटर के बीच का, ये दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, उनको क्या बोलते हैं, आर रेडियस। ओके, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 500 पाइकोमीटर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? ओके, ये सब में आई थिंक सेम ही रहेगा। तो उसके बाद वाला हम डिस्कस करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, ले लंदन फोर्स वाला, लंदन फोर्स इन डिटेल, एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल फोर्स वाला। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आता है हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स, यानी कि डाइपोल और डाइपोल के बीच में लगता हुआ फोर्स। ओके, तो इससे पहले हमने लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस फोर्स में क्या होता है पता है, इस फोर्स में इंक्लूड होते हैं डाइपोल और डाइपोल के बीच जो लगता हुआ फोर्स है वो, यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है पोसेसिंग परमानेंटली, जिसके पास डाइपोल होगी उसमें ये फोर्स अवेलेबल होता है। एग्जांपल की बात करें तो कौन सा ऐसा एग्जांपल, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर NH3, ये सब के बीच में जो फोर्स लगता है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। ये परमानेंटली फोर्स होते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, तो जो इसमें चार्ज पर अवेलेबल है, ओनली फॉर डाइपोल प्रोसेस वाला है प्रोसेस, पार्टियल चार्ज एंड चार्ज सो बाय ग्रीक लेटर डेल्टा, यानी कि क्या, ये चार्ज पे अवेलेबल है, यानी कि प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। तो इस चार्ज को हम कैसे, डेल्टा से फाइंड करेंगे। ये डेल्टा क्या है, ग्रीक लैंग्वेज है, उस तरह ग्रीक लैंग्वेज का ये सिंबल है, वर्ड जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। ओके डेल्टा से, अब देखो इसको चार्ज को कैसे हम याद रखेंगे, यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उससे हम प्लस चार्ज यानी कि प्लस डेल्टा से करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उससे हम माइनस चार्ज से फाइंड करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन हो वन इलेक्ट्रॉन दे के उसे H+ बोलते हैं, उस वजह से इसे हमने यहाँ पर डेल्टा प्लस लिखा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस वजह से उसे डेल्टा माइनस लिखा। मोर देन चार्ज डेंसिटी टुवर्ड टू क्लोरीन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की डेंसिटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 17 हमारा जो ग्रुप है उसका, ये एलिमेंट्स है 17 ग्रुप वाले का,
यानी कि हेलोजन का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीन लेगा। क्लोरीन क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, या ब्रोमीन हो, या फिर आयोडीन हो, सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी होती है, उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा हाइड्रोजन से। अगर इलेक्ट्रॉन छीन लेगा यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसके पास से ले लेगा, और हाइड्रोजन उसे इजीली दे देगा, उस वजह से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। ओके, अब देखो ये नियर में कोई भी हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ वो इंटरेक्ट करके ईच अदर में एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि वो उसके बाद अट्रैक्शन में आ जाएगा, जिसके नियर में जो भी दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला है तो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें क्या आया यहाँ पे AHCl, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। उसका दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है एटम्स, इसमें H प्लस चार्ज और ये Cl चार्ज। अब देखो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, आप देख सकते हो इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये एक दूसरे के नियर में आएंगे और जो अट्रैक्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि डाइपोल डाइपोल के बीच में जो ये फोर्स लगता है उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये चार्ज को हम प्लस डेल्टा से, डेल्टा यानी ग्रीक वर्ड का ये सिंबल है, उससे हम उसे फाइन करते हैं। ओके, और ये इन पे चार्ज है ना, वो चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ कूलम से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि इससे कम ही होगा। ओके, ऑलवेज याद रखो ये चार्ज है, कितना चार्ज है, 1.6×10⁻¹⁹ चार्ज से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, ये रहा यहाँ पे, ये चार्ज उससे ऑलवेज लेस देन ही होगा, डन। उसके बाद उसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है। ओके, तो हम बात करते हैं, तो चलो फर्स्ट वाला पॉइंट है, तो ये हमारा फोर्स है वो लंदन फोर्स से वीक है, ये फोर्स है वो लंदन फोर्स से वीक है, नहीं, देखो पढ़ो, दिस इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्स, यानी कि लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयन आयन वाला इंट्रैक्शन फोर्स से वो वीक है, समझ में, लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, आयन आयन वाला इंट्रैक्शन फोर्स से वो वीक है। ओके, क्योंकि उसमें चार्ज ही ओनली फॉर चार्ज ही अवेलेबल इन्वॉल्व है, उस वजह से वो लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है लेकिन आयन आयन वाले फोर्स से वीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं, द एट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजिंग एंड विद द इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, यानी कि ये डिक्रीज एंड इंक्रीज वाला ये है, कब वो डिक्रीज होता है और कब इंक्रीज होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इतना फोर्स कम होता जाता है, कम होता जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे ही फोर्स ज़्यादा होता जाएगा, वो तो नॉर्मली पता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स नियर में होते हैं वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज भी बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल बहुत डिस्टेंस में होते हैं तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो कम होगा। ओके, उसके बाद उसके एनर्जी लेवल की बात करते हैं कि इसमें एनर्जी कौन सी होती है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मोलिकुलर एज इन सॉलिड्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी कि पोलर मोलिक्यूल होते हैं उसकी एनर्जी है वो कि 1/r³ के प्रोपोर्शनल में होती है, 1/ डाइपोल डाइपोल की जो एनर्जी होती है वो किसकी है, पोलर एनर्जी, वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल में होती है। ओके, समझ में आया। उसके बाद हमारे पास ये जो रोटेशन होता है, रोटेशन वाले यानी पोलर मोलिक्यूलर उसकी एनर्जी होती है, रोटेशन होके उसकी एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल में होती है, और r होते हैं वो क्या होता है, दो जो हमारे पास पोलर मोलिक्यूल्स थे उन दोनों के बीच में, इन ये पोलर मोलिक्यूल्स है इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम r यानी कि रेडियस बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया। तो ये हमारा रहा पहले वाला था, वो लंदन फोर्स या डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स का जो एग्जांपल है उसमें HCl आता है, CO आता है, HF आता है, ये सब। ओके, उन दोनों में से हम जो उसके
इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, डोनेट करेगा, उससे प्लस डेल्टा से फाइंड हम सिंबल से बताते हैं, और जो एक्सेप्ट कर लेगा उसे माइनस डेल्टा से। ऐसे दो या तीन एटम्स एक दूसरे के नियर में आते हैं, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ये परमानेंटली होता है। ओके, एक तरफ माइनस चार्ज, एक तरफ प्लस चार्ज, इन दोनों के बीच में ये चार्ज वाले अपोजिट साइड है, उस वजह से अट्रैक्शन होगा। ओके, और ये हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होंगे, यानी कि Cl, वो उसके पास से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और इसका जो फोर्स होता है, ओके, फोर्स में ये हमारे पास क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन वाला, देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, वो लेस देन ही होगा। और इसमें ये वंडर वाल से लंडन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयन आयन वाला इंट्रैक्शन फोर्स से वीक है। ओके, डन। और इन दोनों के बीच में पोलर वाला जो है वो 1/r³ की एनर्जी में के प्रोपोर्शन में होगा। अगर वो रोटेशन वाला है तो वो मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल में होगा। और आर है वो दो मॉलिक्यूलर बीच, पोलर मॉलिक्यूलर बीच का डिस्टेंस है। ओके डन, डी स्टूडेंट। उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, तो ये रहा हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए। परमानेंट डाइपोल होती है वो पोलर मोलिकुलर वाली, और अगर दूसरा होता है वो नॉन पोलर होता है, यानी कि एक पोलर मोलिकुलर दूसरा नॉन पोलर मोलिकुलर के बीच का हमें ये देखना है। ओके, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पोलर मोलिकुलर हैविंग परमानेंट डाइपल, क्योंकि जो पोलर मोलिकुलर होगा उसके पास तो परमानेंट डाइपल होगी, लेकिन नॉन पोलर है उसके पास परमानेंट डाइपल होती नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें HCl, उसमें H2 वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, और CO2 नॉन पोलर इन एयर O2। ओके, यानी कि CO2 में O2 है वो नॉन पोलर है, HCl में H2 होता है वो पोलर वाला होता है। यानी कि O2 एयर, यानी O2 H2O पानी में जो O2 होता है वो एयर है। ओके, तो इसके लिए पहले हम आगे बात करते हैं, इसमें पता ना चले तो। फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मोलिकुलर इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली नेचुरली मोलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यानी कि हमारे पास क्लाउड वालू है, क्लाउड यानी कि वो चार्ज वाला, कोई एक में प्लस और माइनस चार्ज है तो परमानेंटली डाइपोल बोलते हैं इसमें। इसके बाद इसे नॉन पोलर वाला है, कुछ ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है ना, ये बहुत ही बार यूज नहीं होता, कभी कभी ऐसा आता, लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी देने की ज़रूरत है नहीं। अगर जानना है तो सिर्फ समझ लीजिए कि ये हमारे पास नॉन पोलर है और ये पोलर वाला, इसमें ये प्लस चार्ज, इसमें ये माइनस चार्ज, पोलर होता है इसमें उससे उल्टा होता है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है और नियर में आते हैं, उस वजह से यानी कि ये डाइपोल वाला फोर्स, ये डाइपोल परमानेंट होती है, इसमें डाइपोल परमानेंट नहीं होती, उस वजह इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ओके, ये परमानेंटली डाइपोल है इसमें पोलर में, इसमें परमानेंट नॉन पोलर मोलिक्यूलर, इसमें परमानेंटली डाइपोल होती नहीं है, लेकिन इस दोनों के अट्रैक्शन की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, उस वजह से उसे बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बताया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारी टेक्स्ट बुक में इस साल हमें वो पढ़ना है नहीं, लेकिन हमें इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे बोलते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगी, 1s1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर वो किसी को देना नहीं चाहता तो वो वन इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, लेकिन उसे वन इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम होती है। ओके, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, हाइड्रोजन से कम होगी, वो लोग इसको वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और नोबल गैस जैसे हो जाएंगे, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन।
यानी कि हाइड्रोजन जिसे इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर उसे ले लेगा, इन दोनों के बीच जो हमारे पास बॉन्ड बनता है ना उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो चलो हम एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड। देखो इसको वन इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हेलोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 9, इसको वन इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो नियॉन जैसा हो जाएगा, वो वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगर नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो ये हाइड्रोजन अकेला दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन देगा यहाँ, तीसरा इस तरफ देगा, यानी तीनों हाइड्रोजन एक एक दिन देंगे, और ये NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, इन तीनों को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, एक हाइड्रोजन ये दे देगा, ये दूसरा हाइड्रोजन दे देगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, और उसकी एनर्जी होती है वो 10 से 100 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स जितनी भी हो सकती है। ओके, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें छोटा सा टॉपिक है 5.2 वाला, थर्मल एनर्जी वाला। ओके, तो वो हम देखते हैं। थर्मल एनर्जी वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ये हमने देखा था ना अभी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। ओके, देख सकते हो अपनी तरफ से HF के कैसे कैसे आते हैं बॉन्ड। ओके, तो ये सॉलिड लिक्विड और गैस में सब में अलग अलग तरह के होते हैं। थर्मल एनर्जी, ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो थर्मल एनर्जी किसे बोलते हैं? तो यानी कि थर्मल एनर्जी यानी कि पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स, एटॉम या फिर आयन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हलन चलन करते हैं, यानी एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। उसकी स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। यानी कि वो एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो एनर्जी जो यूज़ होगी या फिर एनर्जी उसे यहाँ से इंक्रीज होती है यानी उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ओके, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होगा, यानी थर्मल एनर्जी है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होती है इनडायरेक्टली। ओके, डन। उसके बाद कि ये क्या है थर्मल एनर्जी, तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स की बात करें कि उसे मेजरमेंट ऑफ एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड इट्स दस रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो पार्टिकल्स है उसके मूवमेंट पे से ऐड होती है। ओके, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स एटम्स या मोलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब उसमें से जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और वो किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वन मोलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, वो आपस में ऐसे जैसे हमारे पास एक्सीडेंट होता है ना वैसे ही एक दूसरे के साथ वो क्रिएट हो जाएंगे। ओके, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल एक टेम्परेचर बढ़ाने एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, उस तरफ दूसरी जगह से इस तरफ आएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, वो जो एनर्जी इंक्रीज होगी उसे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये सब किस पे, पार्टिकल्स का मूवमेंट पे डिपेंड होता है। ओके, इट्स कॉल्ड टू थर्मल एनर्जी। ओके, तो ये हुई थर्मल एनर्जी के बारे में। ओके, उसके बाद हमारा 5.3 वाला टॉपिक है वो कैंसल है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीएस थर्मल इंट्रैक्शन वाला। उसके बाद 5.4 वाला गैसेस स्टेट वाला है, वो भी इस साल के लिए कैंसिल किया गया है। ओके, उसके बाद हमारा 5.5 वाला आता है द गैस लॉ, द गैस लॉ यानी 5.5 एंड 5.6 वाला है आइडियल गैस वाला, आइडियल गैस इक्वेशन, ये इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल के बारे में हमें डिस्कस करनी है। ओके, हमें इसकी थियरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एग्जांपल कब हमें सीखने को मिलेंगे, जब हमें इसकी थियरी पता होगी तब। ओके,
पहले हम थियरी पढ़ेंगे, लेकिन वो हमें थियरी याद रखनी है, सिर्फ उसकी फॉर्मूला और फॉर्मूला कैसे यूज़ करनी है वो याद रखनी है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। थैंक यू।